वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल अमित व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है और एक नए वीडियो में भी आप सबको मैंने पहले दिखाया जो है मार्केट दिखा दिया आप सबको कि किस प्रकार से जो है दिवाली शॉपिंग के लिए आप सबको मार्केट देखने को मिलता है, शॉप देखने को मिलता है, किस प्रकार से जो है रेट है लगभग सभी चीज़। अब मैं आप सबको दिखा रहा हूँ कि जो है किस प्रकार से जो है आपको फटाखा देखने को मिलता है, यानी कि यार दिवाली है और फटाखा ना हो ये तो फिर बात कुछ समझ नहीं आता। इस कारण जो है आप सबको मैं बता दूं कि जो है रुआ बांधा मार्केट से जस्ट लगा हुआ यहाँ पे आपको फटाके की दुकान देखने को मिल जाती है, काफ़ी सारी लगभग 4-5-6 दुकान लाइन से जो इस तरफ आपको पीछे में देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप सबको जो है बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार के जो है फटाके देखने आपको पीछे जो सब्जी मंडी का जो मार्केट है शॉपें लगी है जस्ट उसके सामने आओगे आप तो ये मंदिर है इस तरफ उसके जस्ट सामने में आप सबको यहाँ पर बहुत सारी शॉपें लगी है लाइन से लगभग 5-6 दुकानें हैं तो दिखाएंगे और पूरा बात करते हैं भैया से जाके किस प्रकार से कौन कौन सा जो है पटाखे देखने को मिलता है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिर तक और चलते हैं फिर आगे आप सबको दिखाते हैं। देख सकते हो गाइस कि जो है यहाँ पे आप सबको लाइन से 1-2 करके काफी सारी जो है शॉप देखने को मिलती है। तो जाते अपन एकाश शॉप में और आप सबको जो है पूरा डिटेल देंगे किस प्रकार से जो है आप सबको रेट देखने को मिलेगा और कौन कौन से फटाका जो है इस बार नया देखने को मिलता है तो उस प्रकार से जो है पूरा जानेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से आखिरी तक। देखने को मिलता है कि लगभग 1-2-3 करके आप सबको काफ़ी ज़्यादा जो है शॉप देखने को मिल जाता है। अपन ने रेट जैसे पूछा भैया से तो इन्होंने बता रहे थे कि जो है फिक्स नहीं है अभी क्योंकि जो है पहले से काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ चुका है लॉकडाउन के बाद से फटाके में तो एकदम फिक्स नहीं है। जैसे अगर आज अपन बता दिया आप सबको कि ये इस टाइप से है तो कल बढ़ भी सकता है उस प्रकार से। बाकी मैं आप सबको दिखा देता हूँ तो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलते हैं जो यहाँ पे जो है सुरसुरी और उसके बाद ये कुछ फटाका है, बाकी इस तरह बुलेट वगैरह और बहुत सारे यहाँ पे चक्री और अनारदाना और छोटे मोटे जो बम है वो देखने को मिल जाते हैं। बाकी ऊपर देखेंगे तो स्काई शॉट वगैरह हैं बड़े बड़े जो अपन जैसे बहुत सारी चीज़ में यूज़ करते हैं, चाहे विसर्जन हो चाहे शादी और अभी तो खासकर दिवाली में देखने को मिल जाता है। और बाकी ये शायद वो वाला है जो ऊपर बलून वाला जो रहता है उस प्रकार से। और बाकी इस तरफ देख सकते हो कि बहुत सारा वैरायटी देखने को मिल जाता है चाहे वो छोटे में हो चाहे बड़े ऐसे लाइन से तो इसमें लिखा हुआ है। और सुरसुरी का जैसे मैं अपन ने पूछा तो जो है लगभग 50 रुपये से 400 तक का जो है रेंज देखने को मिला। और बाकी इस तरफ बहुत सारा शॉप है देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से है। और इस तरफ और है एक और इस तरफ देखने को मिल जाता है एक और शॉप जो इस तरफ है। और बाकी यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो हैं फटाके देखने को मिल जाते हैं जो लगभग अभी भी भैया सेट कर रहे हैं क्योंकि तो कल से जो धनतेरस है तो जो है फटाका का शॉप अभी भी लग रहा है। बाकी इस तरफ भाई लोग जो कर रहे हैं काम और अभी भी चल ही रहा है। इस तरफ जो बॉक्स देख सकते हैं और इस तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े बम भी देखने को मिल रहे हैं तो देख ही सकते हो मून लाइट। और मैं एक चीज़ आप सबको बता दूं कि ये जो दुकानें हैं वो फिक्स नहीं है, मात्र जो है आप सबको जो है कल धनतेरस से लेकर के 5 दिन के लिए जो है सभी शॉपें लगती हैं सिर्फ और सिर्फ दिवाली में और 5 दिन के बाद जो है फिर ये यहाँ से हट जाता है। तो इस प्रकार से है और इस प्रकार से रहता है 5 दिन जो है शॉप रहता है उसके बाद यहाँ से चला जाता है। बाकी इस तरफ देख सकते हो कि अभी जस्ट यहाँ का अपन ने रिव्यू कराया। बाकी सामने चलते हैं तो इस तरफ भी सेम शॉप जिसमें आप सबको काफ़ी सारा जो है फटाका देखने को मिलता है तो इस प्रकार से है। और यहाँ की अगर बात करेंगे तो लगभग जिसके पास लाइसेंस होता है उन्हीं के द्वारा जो है ये शॉप लगाया जाता है जो लगभग 5 दिन के लिए लगता है। बाकी इस तरफ देख सकते हो इस तरफ भी फटाका सेल और इस तरफ देख सकते हो इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा जो है बड़े बड़े फटाके देखने को मिल जाते हैं लगभग जो स्काई शॉट वगैरह हैं और बम छोटे मोटे सुरसुरी और जो रॉकेट वगैरह हैं तो इस प्रकार से है। बाकी इस तरफ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी है तो लगभग ये लोग
से बात करने के बाद ये पता चला कि रेट तो भाई एकदम फिक्स नहीं है, क्योंकि इनका भी काम लगभग 5 दिन यानी कि सीजनिंग वाइज काम रहता है, तो एकदम अपन बता नहीं सकते कि ये फिक्स रेट वगैरह या फिर कैसे रहते, क्योंकि ये कल की डेट में अगर जैसे उनका नया स्टॉक आता है तो उसमें चेंज भी हो सकता है, आइडिया नहीं अपने को भी तो इस प्रकार से है। बाकी चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा और जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ महतारी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे यूट्यूब चैनल, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, टाटा।